दोस्तों स्मार्टफोन हम सभी यूज करते हैं और जब भी हम किसी चीज को ज्यादा यूज करते हैं तो उसके रिलेटेड कुछ ऐसे मिथ्स कुछ ऐसी धारणाएं बन जाती हैं जिसको कि हम सभी फॉलो करने लगते हैं बिना ये जाने कि उसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। अगर आप भी किसी ऐसे मिथ को फॉलो करते हो या फिर आप बचना चाहते हो किसी ऐसे मिथ से तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए जानते हैं स्मार्टफोन के मिथ्स के बारे में। दोस्तों जो पहली बात निकल के आती है वो स्मार्टफोन के रैम से रिलेटेड। अभी आपको प्रेजेंट मार्केट में 4GB, 6GB, 8GB रैम वाले फोन्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और स्मार्टफोन के रैम से रिलेटेड हमारे मन में जो कॉमन थिंकिंग होती है वो ये है कि जितना ज्यादा रैम उतना ज्यादा अच्छा। मतलब आप ऐसा सोचते हो कि आपके फोन में जितना ज्यादा रैम होगा आपका फोन उतना ही ज्यादा फास्ट काम करेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके फोन में एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ रैम होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर उस लिमिट से उस अमाउंट से ज्यादा रैम आपके फोन में है तो वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाला। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि कोई रूम है और उसमें एक चेयर एक टेबल होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी रूम को सिर्फ चेयर और टेबल से ही भर दिया जाए तो उस रूम का आपको कोई यूज नहीं होगा। सेम केस अप्लाई होता है स्मार्टफोन में भी। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, आप कुछ सोशल नेटवर्किंग ऐप्स यूज करते हो, आप कोई गेमिंग ऐप यूज करते हो या फिर आप कुछ नॉर्मल ऐप्स यूज करते हो तो आपके लिए 4GB और 6GB रैम मोर देन सफिशियंट है। इसके ऊपर के रैम में अगर आप पैसे डालते हो तो वो आपके लिए सिर्फ नंबर बढ़ाएगा, उसका आपको कोई यूज नहीं होने वाला। दोस्तों जो दूसरी बात निकल के आती है वो है पावर बैंक से चार्जिंग को रिलेटेड। आपने कई बार कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा, वो ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपनी फोन की बैटरी को पावर बैंक से कंटिन्यूस चार्ज करते हो तो आपके फोन की बैटरी में प्रॉब्लम आएगी। इन बातों के पीछे लॉजिक क्या है, इन बातों के पीछे थिंकिंग क्या है ये बिल्कुल नहीं समझ आता, क्योंकि आपके जो पावर बैंक की आउटपुट वोल्टेज है और जो आपका नॉर्मल चार्जर का आउटपुट वोल्टेज होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है। तो ऐसे में आप कितनी भी बार पावर बैंक से अपने फोन को चार्ज करो आपके फोन की बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोस्तों तीसरी बात निकल के आती है गूगल प्ले स्टोर के ऐप से रिलेटेड। आप में से मेजोरिटी ऑफ यूजर्स ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते हैं कि प्ले स्टोर में आपको जितने भी ऐप्स मिलेंगे वो बिल्कुल ही सेफ होते हैं, प्ले स्टोर में आपको कोई भी मैलिशियस कोई भी मिसलीडिंग ऐप्स नहीं मिलेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचने वालों में से हो तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि आपको कई बार गूगल प्ले स्टोर में भी ऐसे मिसलीडिंग मैलिशियस ऐप्स मिल जाते हैं। हाँ ये बात जरूर है कि गूगल टाइम टू टाइम अपने प्ले स्टोर को स्कैन करता है और उसे जब भी ऐसा कोई मिसलीडिंग ऐप मिलता है तो वो उसे रिमूव कर देता है, लेकिन जब तक गूगल उन ऐप को रिमूव करता है वो ऐप आप में से बहुत सारे यूजर को अपना शिकार बना चुका होता है। तो ऐसे में आप जब भी प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो कौन सी परमिशन आपसे ग्रांट कर रहा है इसके बारे में आप जरूर देख लें। दोस्तों जो तीसरी बात निकल के आती है वो बहुत ही कॉमन मिथ है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते हैं कि अगर आप अपने फोन की बैटरी को फुल चार्ज होने के बाद चार्ज में लगाए रखते हो तो आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा केस पहले के फोन्स में होता था, लेकिन जो आज के फोन्स हैं वो मॉडर्न फोन्स हैं, उनमें जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, तो वो फोन जब भी फुल चार्ज हो जाती है उनकी बैटरी तो फिर पावर कंजप्शन वो बंद कर देता है। दोस्तों अगली बात फिर से निकल के आती है स्मार्टफोन के रैम से रिलेटेड। आपने बहुत सारे ऐसे यूजर्स को देखा होगा जो कि अपने स्मार्टफोन की रैम को बार बार क्लियर करते हैं, वो अपने बैकग्राउंड प्रोसेसर्स बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को बार बार किल करते हैं और ऐसा करने के पीछे उनकी कॉमन थिंकिंग ये होती है कि ऐसा करने से उनका फोन ज्यादा फास्ट काम करेगा। दोस्तों आपके फोन के जो बैकग्राउंड प्रोसेसर्स हैं बैकग्राउंड एप्स हैं उनमें बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि आपके फोन की नॉर्मल फंक्शनलिटी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ऐसे में आप अगर उसको बार बार किल करोगे तो वो बार बार ऑन हो जाएगा और इस कंटिन्यूस प्रोसेस के कारण आपका फोन फास्ट काम करे ना करे लेकिन आपके फोन की बैटरी जरूर ड्रेन होगी। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो ऐसा मत कीजिए। दोस्तों अगली बात जो निकल के आती है वो है नेटवर्क स्पीड से रिलेटेड। आप में से कई सारे यूजर्स ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि अगर आपके फोन में नेटवर्क जो है वो फुल मिल रही है तो आपको नेट स्पीड भी अच्छी मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके फोन में जो नेटवर्क स्पीड मिलती है वो आपके सिग्नल स्ट्रेंथ पे बहुत ही कम डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे पर्टिकुलर टावर पे कितने लोग कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि कोई दो टावर है, पहले टावर में 100 लोग कनेक्टेड है और दूसरे टावर से 1000 लोग कनेक्टेड है, तो जिस टावर से 100 लोग कनेक्टेड है अगर उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ी कम भी है तो उस टावर से आपको नेटवर्क स्पीड ज्यादा मिलेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन मिथ्स जो कि हम सभी फॉलो करते हैं किसी भी टाइम पे बिना ये जाने कि उसमें सच्चाई है भी या नहीं। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप ऐसा ना करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें वीडियो या फिर मेरे चैनल रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो कोई भी सुझाव हो तो प्लीज नीचे कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।